हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लेफ्ट और दूसरे संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है। भारत बंद के ऐलान पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से ये अलर्ट खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, और अब जबकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लेफ्ट और दूसरे संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है, सीए के विरोध में लेफ्ट ने कल बंद बुलाया है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में डीजीपी ऑफिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, कुछ खास जिले जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है? जी, जाहिर तौर पर डीजीपी ने इस बात की पुष्टि की है कि वैसे तो पूरे प्रदेश में अलर्ट की स्थिति रहेगी, लेकिन जिन जिलों में लखनऊ समेत जहां हिंसा हुई थी 1920 दिसंबर को, उन जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही जो शैक्षिक संस्थान है, एमयू हो गया, बीएचयू है या तमाम सारे शैक्षिक संस्थान, इन संस्थानों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि जो कल भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें फिर से वो तस्वीर ना दोहराई जाए जो 1920 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी रणवीर दे रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से ये अलर्ट जो जारी किया गया है लखनऊ समेत वो तमाम जिले जहां 1920 दिसंबर को जबरदस्त हिंसा हुई थी, और साथ ही प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटीज जिसमें एएमयू हो गई, बीएचयू हो गई, यहां पर खास एहतियात अलर्ट जारी किया गया है कल के लेफ्ट के बुलाए बंद को देखते हुए।